अंबेडकर नगर थाना कोतवाली टांडा की पुलिस टीम द्वारा शातिर गोकश अपराधी मोहम्मद अहमद उर्फ शब्बान पुत्र मोहम्मद ईशा को एक अदद अवैध पिस्टल 32 बोर व दो अदद जिंदा कारतूस 32 बोर दो अदद खोखा कारतूस 32 बोर व एक अदद मोटरसाइकिल के साथ पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। रात्रि गश्त के दौरान थाना कोतवाली टांडा पुलिस टीम हाईवे रामपुर कला मोड़ पर संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग की जा रही थी कि तभी एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल से बस खारी की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया, जिसको पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, परंतु वह पुलिस टीम को देखकर भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा उक्त संदिग्ध व्यक्ति का पीछा किया गया तो वह हाईवे पैकोलिया लिंक मार्ग के पास हड़बड़ाकर मोटरसाइकिल सहित गिर गया और पुलिस टीम को अपने करीब आता देखकर जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर करने लगा। फायरिंग के दौरान एक पुलिसकर्मी के घायल होने के पश्चात आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें अभियुक्त के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया और मौके पर ही वहां पर गिर पड़ा, जिसे पुलिस टीम द्वारा पुलिस हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में ले गए व्यक्ति ने पूछताछ के दौरान अपना नाम मोहम्मद अहमद उर्फ शाबान पुत्र मोहम्मद ईशा निवासी कस्बा पूरब सकरावल थाना कोतवाली टांडा जनपद अंबेडकर नगर बताया। वो तलाशी से एक अदद 32 बोर अवैध पिस्टल व दो अदद जिंदा और दो अदद खोखा कारतूस 32 बोर की बरामदगी हुई। घायल अभियुक्त व पुलिसकर्मी को प्राथमिक उपचार हेतु CCHC अलीगंज अंबेडकर नगर भेजा गया। द्वारा पूरे जनपद में चेकिंग अभियान, रात चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक टांडा अपने पूरे पुलिस बल के साथ रामपुर कला हाईवे के पास चेकिंग कर रहे थे, तभी बसखारी की तरफ से एक व्यक्ति मोटरसाइकिल जिसका नंबर नहीं था वो आता हुआ दिखाई दिया। उसे रोकने का प्रयास किया गया, वो बहुत तेज़ी से भागा और आगे पैकोलिया लिंक मार्ग पर जाकर हड़बड़ा कर असंतुलित होकर गिर पड़ा। पुलिस पार्टी पर उसने फायरिंग किया, जिसमें एक कांस्टेबल घायल हुआ। काउंटर एक्सचेंज में जवाबी कार्रवाई में पुलिस पार्टी द्वारा भी फायरिंग की गई, जिससे उसके पैर में गोली लगी। उसे तत्काल अस्पताल भेजा गया। पूछताछ में उसका नाम शबान है, जो कि कोतवाली टांडा का ही रहने वाला है। ये शातिर गोकस है, इसके विरुद्ध पूर्व में भी अभियोग पंजीकृत है। इसके पास से तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल बरामद हो रही है। अन्य बिंदुओं की गहनता से जाँच की जा रही है।